आज हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से देखेंगे। जैसे आप जानते हैं टेन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ऐसे ही काट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, इस आगे देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, मैनिपुलेशन से भी काम होगा। जैसे ये आपको फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, इंटीग्रेट करना है, कॉस एक्स अपान वन प्लस कॉस एक्स दिया गया है, ठीक है। तो इस यहाँ पर डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस एक्स है, तो न्यूमरेटर में भी वन प्लस कॉस एक्स बनाना चाहेंगे, इसलिए यहाँ पर वन को ऐड करेंगे और फिर वन को सबट्रैक्ट करेंगे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग कर देंगे तो फंक्शन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये आपका वन हो जाएगा, ये चीज़ वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगी। वन प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ठीक। और फिर उसके बाद इसे आप लिख सकते हैं वन अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अब इसका वन का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टाइम, आर्गूमेंट एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू लिख देंगे, एक्स का कोफिशेंट वन अपॉन टू, इसलिए वन अपॉन टू से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। इंटीग्रल हो रहा है इसलिए इंटीग्रल की साइन लगाते चलेंगे, ठीक है। इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, ठीक है, इंटीग्रल dx। अब यहाँ पर इंटीग्रल नहीं लगाएंगे क्योंकि वन का इंटीग्रल x है, अब इसका आंसर ये आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप देखो अलग क्वेश्चन, ये तो हो गया, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ फंक्शन कास टू एक्स माइनस कास टू अल्फा डिवाइडेड बाई कास एक्स माइनस कास अल्फा, इसको इंटीग्रेट करना है, ओके। तो कास टू एक्स की आइडेंटिटी को टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन, और कास टू अल्फा की आइडेंटिटी टू कास स्क्वायर अल्फा माइनस वन, कास एक्स माइनस कास अल्फा एज इट इज रख देंगे, इंटीग्रल डी एक्स। यहाँ पर न्यूमरेटर को आप इस तरीके से लिख सकते हो, टू का स्क्वायर एक्स माइनस टू का स्क्वायर अल्फा, टू कॉमन कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है। डी एक्स यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बच जाएगा टू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। अब देखो टू तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है, और कास का इंटीग्रल साइन हो जाएगा, कास अल्फा कांस्टेंट है तो लिख देंगे, और फिर यहाँ बचेगा वन, वन का इंटीग्रल एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ ध्यान दे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर देखते हैं, तो जो न्यूमरेटर में है फंक्शन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, किसका डेरिवेटिव है, तो आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का है, इसलिए डिनोमिनेटर को आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो। अब इसे आप टी बोल दोगे, पूरा न्यूमरेटर डी टी बन जाएगा, डी टी अपॉन टी, तो यहाँ पर ये टी है ना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, वन अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, ठीक है। कैसे आता है माइनस वन अपॉन टी, यहाँ हमने करके दिखाया है, टी के पोजीशन पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आंसर आ जाएगा, है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर, यह आपका इंटीग्रेंड है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसे यहाँ पर अलग अलग कर लीजिए, साइन क्यूब एक्स अपॉन डिनोमिनेटर, कास क्यूब एक्स अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा करने से यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ऊपर बचेगा, नीचे कास स्क्वायर एक्स रहेगा, यहाँ से कास स्क्वायर कैंसिल होगा, एक एक कास ऊपर बचेगा, और फिर यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन अपान कास, और एक कास को वन अपान कास, ठीक है, इसे कास अपान साइन, एक साइन को वन अपान साइन, तो ये बन गया सेक, ये बन गया टैन, ये बन गया कोसेक, ये बन गया कॉट। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके, इंटीग्रेट कर लोगे सेक एक्स आ जाएगा इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल कोसेक एक्स आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये आपका इंटीग्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर कास्ट टू इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, 1 पान कास्ट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 पान कास्ट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लिखने से पहले से सेक स्क्वायर एक्स में बदल लीजिए, फिर इसका आंसर आ जाएगा टैन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रल ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये आपका फंक्शन है, कास टू इसको लिख सकते हो कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ए कास कास एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, 1/t dt बन जाएगा, log mod t, t के पोजीशन पर डिनोमिनेटर को रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बन गया। यहाँ पर देखो आप एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन देख लिए, जैसे 9th देख लिए आप, 13th देख लिए, 14th कर लिए, ठीक है, 17th कर लिए, 18th कर लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लिए, ओके। अब आप आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, जिसमें कुछ इस पर पर्टिकुलर फंक्शन है, टाइप 1 के रूप में याद करेंगे इसे, टाइप 2 का ये है रिजल्ट, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, ठीक है, ये सारे रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए, ओके। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे, ये आपका टाइप 7 है, जब 1/ क्वाड्रेटिक दिया जाएगा, इसको आप कन्वर्ट करोगे, ये कन्वर्ट जो होगा वो 1 से 1 में होगा, या 2 में होगा, या 3 में होगा, जिसमें रूट नहीं है तो 1 से लेकर 3 में कोई किसी एक में कन्वर्ट होगा। जो टाइप 8 है 1/√ क्वाड्रेटिक, ये आपका कन्वर्ट होगा 4, 5, 6 में, ठीक है, किसी में एक में कन्वर्ट होगा। फिर ये टाइप 9 है लीनियर अपान क्वाड्रेटिक, और 10th आपका है लीनियर अपान रूट क्वाड्रेटिक, ओके। तो अब चलो जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल 2, यहाँ पर dx अपान रूट क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे आप होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाओगे, तो इसको होल स्क्वायर बनाओगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप सोचो ये किस टाइप का है, तो आपको पता चलेगा ये टाइप 5th है, जिसमें साइन इनवर्स करके आंसर आता है, तो आपका ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, ओके। अब देखो आप इसको 1/ क्वाड्रेटिक कहें, तो सबसे पहले इसे होल स्क्वायर के फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, इसको होल स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे, 3 पहले कॉमन करेंगे, तो 3 कॉमन करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, वी एक्स के कोफिशेंट का हाफ करेंगे, इसका कोफिशेंट हाफ आएगा 13/6, तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर आएगा, 13/6 का होल स्क्वायर को सबट्रैक्ट और ऐड दोनों करने पर इसके साथ ये बन जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर के फॉर्म बन गया। तो अब देखो इसमें रूट नहीं है, तो ये आप देखो किस टाइप का है, ठीक है, तो ये टाइप 1st का है, तो टाइप 1st के कारण से आपका आंसर ये आएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ओके। अब इसमें देखो आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 10th में हम लोग देखते हैं इसको सेकंड पार्ट को, ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग लिखते हैं, तरीका ये है कि लीनियर इक्वल टू, तो लीनियर इक्वल टू लिखा जाता है एक्स प्लस 3 ऊपर है ना, तो ए इंटू डी डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, इसको ये बन जाएगा ए टाइम्स माइनस 4 माइनस 2x प्लस बी। अब ए और बी को इवेलुएट करेंगे, ठीक है, ए की वैल्यू माइनस 1/2 पाएंगे, बी की वैल्यू 1 पाएंगे। अब आपका ये जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से अलग अलग करके लिखा जाएगा, पहले वाले को i1, दूसरे वाले को i2। i1 जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसलिए dt अपॉन √t बन जाएगा, इसका आंसर आएगा 2√t + c1,
ये पहले आई वन का आंसर आ गया। आई टू के लिए इसे होल स्क्वायर फॉर्म में बनाया जाएगा। होल स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे इस तरीके से बनेगा। अब फिर देखो ये किस टाइप का है, तो टाइप फिफ्थ है, साइन इनवर्स करके आंसर आएगा। ठीक है, टी के पोजीशन पे एक्स प्लस टू रख देंगे, आपका आंसर आई टू को आ जाएगा। आई वन प्लस आई टू को मिला देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर नाइन में, क्वेश्चन नंबर नाइन में यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाइए। पहले आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे, टेन एक्स को इसको इसका डेरिवेटिव ये है तो इसको आप एक्स की तरह ट्रीट करें तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो ये देख लो अब ये किस टाइप का है, तो आप कहेंगे ये टाइप सिक्स्थ का है, तो सिक्स्थ के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, लॉग मॉड एक्स, एक्स इसको तरह ट्रीट किए हैं तो टेन एक्स लॉग मॉड आर्गूमेंट प्लस गिवन फंक्शन डिनोमिनेटर, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्टीन देखो। क्वेश्चन थर्टीन में ये वन अपॉन रूट करके है, ठीक है, रूट में लीनियर इंटू लीनियर है, तो सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक रूप में। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये किस टाइप का है, तो देखो रूट आ रहा है ना, तो रूट आ रहा है तो फोर होगा या तो फिफ्थ होगा या तो सिक्स्थ होगा, तो आपका ये फोर्थ है। ठीक है, तो लॉग मॉड आर्गूमेंट प्लस डिनोमिनेटर, ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लीनियर अपान रूट क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर को लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन। ठीक है, ये लिखा जाएगा, इसके साथ कांस्टेंट को ए, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस दूसरा कांस्टेंट बी, फिर ये आपका बन जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये बन जाएगा ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट। ए और बी की वैल्यू इसी इक्वेशन से फाइंड होगी, कैसे होगी, इधर एक लीनियर इधर भी लीनियर बना लेंगे, एक्स के कोफिशेंट और कांस्टेंट को इक्वेट करा लेंगे तो एक वैल्यू 5.2 बी की वैल्यू -7, तो अब आपका जो इक्वेशन वन है इस तरीके से हो जाएगा। तो 5x प्लस 3 आपका ये बन गया है, ये चीज़ आप अपने इंटीग्रेंट में न्यूमरेटर में रखेंगे, तो न्यूमरेटर में आप रख देंगे इसे। ठीक है, अब इसके बाद ये अलग अलग करके लिखा जाएगा, तो अलग अलग करके लिखा जाएगा, एक इंटीग्रल ये बना है दूसरा इंटीग्रल ये। ठीक है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इसलिए डी टी अपान रूट टी आ जाएगा और इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में रखा जाएगा। इसका आंसर तो आ गया, इसका आंसर देखो ये किस टाइप का, टाइप सिक्स का है। ठीक है, तो रूट है बीच में प्लस है, टाइप सिक्स लॉग मॉड आर्गुमेंट प्लस डिनोमिनेटर, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। 23 क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन किसका करते हैं, रेशनल फंक्शन का करते हैं, जो कि प्रॉपर होना चाहिए, अगर इम्प्रॉपर रहेगा तो इम्प्रॉपर को आप पहले मिक्सर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद प्रॉपर को पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के फंक्शन आपको मिलेंगे, ये टाइप सीरियल नंबर दिखाया गया है, जब इस तरीके से आपका फंक्शन रहेगा तो न्यूमरेटर से आपको कोई मतलब नहीं है, बस रेशनल होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, दो लीनियर हैं तो दो टर्म आएंगे। ठीक है, पहले लीनियर के साथ एक कांस्टेंट आएगा और दूसरे लीनियर के साथ भी एक कांस्टेंट आएगा, बीच में प्लस आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब आपका फंक्शन इस तरीके से रहेगा तो भी आपके दो लीनियर हैं, लीनियर इंटू लीनियर का होल स्क्वायर है ना, तो एक एक्स माइनस ए आएगा, एक एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस आएगा, इसके ऊपर एक कांस्टेंट, इसके ऊपर एक कांस्टेंट। जब आपके थ्री लीनियर होंगे तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ऐसे तीन टर्म आएंगे लीनियर में। ठीक है, तो ये तीनों लीनियर होने चाहिए। ठीक है, तब ऐसे बनेगा, बीच में प्लस आएगा, थ्री टर्म बनेंगे, पहले टर्म के ऊपर एक कांस्टेंट, दूसरे टर्म के ऊपर कांस्टेंट, तीसरे टर्म के ऊपर कांस्टेंट, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, पहला टर्म
में जो न्यूमरेटर है कांस्टेंट, दूसरे टर्म में जो न्यूमरेटर है कांस्टेंट, तीसरे टर्म में जो न्यूमरेटर है वो भी कांस्टेंट, पहले टर्म के डिनोमिनेटर में इसमें से कोई एक लीनियर, दूसरे में एक उसको छोड़कर, फिर इसमें कोई सी, ठीक है, जो लास्ट का है। ऐसे ही जब आपका इस तरीके का फंक्शन होगा तो x माइनस ए की पावर 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग दो टर्म आएंगे, तो एक ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म आएगा, ठीक है। फिफ्थ टाइप में यहाँ इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके ऊपर एक लीनियर आएगा, ठीक। लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आता है, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आता है, ठीक है। एक्स माइनस ए के ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म, इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म, तो ठीक है, दो टर्म आएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म, इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म, इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर दो, इसके करस्पॉन्डिंग दो टर्म, एक एक्स माइनस एक, दूसरा एक्स माइनस एक होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म, इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म, ठीक है। लीनियर के ऊपर याद रखना है सदैव एक कांस्टेंट आएगा, और क्वाड्रेटिक के ऊपर एक लीनियर आएगा, ओके। इस पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इसके ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, इसके ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, ए और बी की वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इस तरीके से इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, इसका आंसर यह हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा, लॉ की प्रॉपर्टी से फाइनल आंसर आप ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर देखो फंक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है, क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक है, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक है, तो इसको डिवाइड कराकर आप प्रॉपर में बनाएंगे, तो प्रॉपर में इस तरीके से बनेगा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये प्रोसेस है, तरीका है, ठीक है। ए और बी वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव, बी वैल्यू 10, तो इस तरीके से लिख लेंगे, और फिर उसके बाद इसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर देखो एग्जांपल 13 में इसके करस्पॉन्डिंग टू टर्म आएंगे, एक टर्म आएगा ए अपान एक्स प्लस वन, और फिर बी अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग केवल एक टर्म आएगा सी अपान एक्स प्लस थ्री, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, ओके। यहाँ पर देखो सारे में इंटीग्रेट में सब एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं, सब एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, इसको वाई की कोलेट करेंगे, और फिर उसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके, जब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा फिर आप वाई की पोजीशन पर एक्स स्क्वायर रख देंगे, तब जाकर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आप कीजिए, ओके, सारे एग्जांपल कर लीजिए, और इसमें देखो एग्जांपल 16, क्वेश्चन 16 में जब वन अपान एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स पावर एन प्लस वन इस टाइप का रहेगा, तो आपको एक्स पावर एन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, फिर एक्स पावर एन को टी पुट करना होगा, फिर उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, यहाँ हिंट दे दिया गया है, साइन एक्स को टी पुट कर लीजिए, और फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करें और फिर इंटीग्रेट करें, ओके। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आप ये फार्मूला याद रखें, फार्मूला ये है कि यदि आपके पास दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका जो इंटीग्रल होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रल, यही बात यहाँ पर लिखी गई है, इसे आप याद रखेंगे, ओके। इस पर एग्जांपल 17 है, जिसे ये फर्स्ट है, इसे सेकंड है, तो फर्स्ट एज इट इज पहले लिख लेंगे, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रल करेंगे। तो अब इसमें किसको फर्स्ट कंसीडर करें, किसे सेकंड करें, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव देखो इस यहाँ पर कॉस एक्स को हम लोग सेकंड कंसीडर करेंगे, एक्स को फर्स्ट करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, और कॉस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन, और फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रल साइन, और फिर साइन का हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब जब फंक्शन के साथ केवल एक ही फंक्शन हो, दूसरा फंक्शन नहीं दिया जाए, तो दूसरा फंक्शन आप वन ले लेंगे, और फिर उसके बाद वाई पार्ट्स लगाएंगे, फिर आपका आंसर आएगा, ओके। एग्जांपल 20, एग्जांपल 20 में एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप साइन इनवर्स एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और सेकेंड फंक्शन को एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम करेंगे, ओके।